अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में केले की फसल प्रमुख रूप से ली जाती है। 2-3 जुलाई के दरमियान बुरहानपुर में आए आंधी तूफान से 30-35 गांव में केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। हवा आंधी से फल लगे हुए केले के पेड़ लाखों की संख्या में धराशायी हो गए। किसानों की फसल का भारी नुकसान हुआ है। केले का पेड़ बहुत नाजुक होता है, वह 25 किलोमीटर की वायु गति से भी पेड़ पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा वायु गति को नुकसान का माना गया है। स्ट्राइक वन में जबकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की वायु गति से पेड़ को हानि पहुंचाने के लिए पर्याप्त गति होती है, इसलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा वायु गति को घटाकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए, जिससे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा में हवा आंधी तूफान काल का समय 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2 माह तथा 1 मई से 30 जून तक 2 माह का ऐसे 2 कालखंड तय किए हैं। हवा आंधी तूफान के माने गए हैं। ओलावृष्टि जोखिम का समय 1 जनवरी से 30 अप्रैल रखा गया है, जबकि जून में भी ओलावृष्टि होती देखी गई है। स्ट्राइक 2 में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वायु गति की मानी जाए। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिल सके, इस दोषी से जोखिम काल 1 जनवरी से 30 अप्रैल जो रखा गया है, उसे 1 जनवरी से 15 जुलाई रखा जाए, जिससे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके। 2-3 जुलाई के दरमियान बुरहानपुर जिले के लगभग 30-35 गांव में हुए केले के फसल के नुकसान के लिए जांच दल भेजकर भारत सरकार से विशेष सहायता राशि केला उत्पादक किसानों को दी जाए, यह मेरा अनुरोध है।